हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका बिहार डेलेट का 7 जून का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, 7 जून सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए गाइस, पूछा गया था हिंदी भाषा का कौन सा मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। देखिए हिंदी भाषा का खड़ी बोली जो है ये हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदी की मानक बोली बोली से विकसित हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत विकसित बोलियाँ अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था लघुर्मी में कौन सी संधि होगी। देखिए लघुर्मी हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। क्यों हो जाएगी ये भी जान लीजिए आप लोग। जब आप इसे तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद लघु धन उर्मी हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, ठीक है। दूसरी बात इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसको मान लिया जाएगा छोटा ऊ और इसको मान लिया जाएगा बड़ा ऊ, तो छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर हो जाता है बड़ा ऊ। देखिए दीर्घ स्वर संधि दो स्वर्ण हस्व या दीर्घ स्वरों के मेल होने पर दीर्घ स्वर बन जाता है, जैसे शिवधन आलय छोटा प्लस बड़ा बराबर शिवालय, गिरिधन इंद्र छोटी ई प्लस छोटी बराबर बड़ी ई यानी गिरिंद्र, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचवटी में कौन सा समास है। अब देखिए यहाँ पर पंचवटी शब्द आ रहा है, तो संख्यावाची शब्द, जहाँ पर संख्यावाची शब्द होता है वहाँ पर आपका द्विगु समास होता है, और जहाँ पर योजक चिन्ह होता है वहाँ पर आपका द्वंद्व समास होता है। जैसे कि पंचवटी चौराहा, चौराहों का समूह, नवग्रह, नवग्रह जैसे कि, तो जो संख्यावाची शब्द होते हैं उनको हम बोलते हैं द्विगु समास। तो पंचवटी, तो पांच निकल रहा है इसमें, पंचवटी। वह वस्तु जिसके आर पार देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह वस्तु जिसके आर पार देखा जा सके के लिए एक शब्द होता है अपारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आषाढ़ आषाण डोलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आषाण डोलना मुहावरे का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन। अगर आपके ऑप्शन में दिया जाए मन का विचलित होना तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं, किसी कारणवश मन का विचलित होना ये हो तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है। देखिए ध्रुव स्वामिनी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रसिद्ध हिंदी नाटक है, यह प्रसाद की अंतिम और श्रेष्ठ नाटक कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था विशिष्ट शब्द का विलोम शब्द, तो विशिष्ट शब्द का विलोम शब्द होता है सामान्य। बहुत तेज वर्षा हो रही है इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो बहुत तेज वर्षा हो रही है इस वाक्य में हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। परिभाषा की अगर हम बात करें, किसी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की मात्रा, परिमाण, नाप या तौल का बोध करवाने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि सब, अनाज, सारा दूध, थोड़ा घी, बहुत तेरा काम इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु तथा जन्म के अनुपात को क्या कहते हैं। तो मृत्यु तथा जन्म के अनुपात को कहते हैं वाइटल सूचकांक, इसके बारे में जान लीजिए। मृत्यु दर पर जन्म का प्रतिशत अनुपात महत्वपूर्ण सूचकांक के रूप में जाना जाता है, अर्थात जन्म मृत्यु दर इंटू 100 ये जनसंख्या की वृद्धि को निर्धारित करता है। प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किसने दिया, तो प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया है। चार्ल्स डार्विन प्राकृतिक चयन द्वारा विकासवाद के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। वर्ष 1859 में डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा। अगला क्वेश्चन, निशल के कण कहाँ पाए जाते हैं, तो निशल के कण तंत्रिका कोशिकाओं में पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि मेटास्टेसिस क्या है, तो देखिए मेटास्टेसिस है कैंसर कोशिकाओं का नए स्थानों पर फैलना। प्रतिवर्ष शीत ऋतु में साइबेरिया से आने वाले हजारों प्रवासी पक्षियों की मेजबानी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो प्रतिवर्ष शीत ऋतु में साइबेरिया से आने वाले हजारों प्रवासी पक्षियों की मेजबानी के लिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जो कि राजस्थान में, ये प्रसिद्ध है। राजस्थान में प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर प्रत्येक सर्दियों में साइबेरिया और अन्य बेहद ठंडे उत्तरी क्षेत्रों से आने वाले हजारों प्रवासी पक्षियों की मेजबानी करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में कितना यूरिया उत्सर्जित करता है, 40 से 50 ग्राम, इसका आंसर जान लीजिए।
देखिए, वक्र मूल निर्माण और मूत्र त्याग के लिए उत्तरदायी प्रमुख अंग है। मानव शरीर में वक्र की एक जोड़ी होती है जो दोनों तरफ स्थित होती है। प्रत्येक वक्र में नेफ्रॉन वृक्राणु होते हैं जिन्हें वक्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई माना जाता है। वोमेन स्पुट, हेनले लूप, आरोही और अवरोही नलिकाएं मूत्र के निर्माण और परिवहन में मदद करती हैं। निर्मित मूत्र मूत्राशय में संग्रहित हो जाता है। प्रत्येक दिन सामान्य मूत्र उत्पादन 1.5 से 2 लीटर होता है। तो इतने ही क्वेश्चन को मिले थे, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक उससे ज़रूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।